हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे आप। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास है आज वाईफाई कैमरा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारा कुछ, मैं इसके बारे में आज अनबॉक्सिंग करूँगा और इसकी फुल डिटेल देने वाला हूँ। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि गाइज, आप मोबाइल रिपेयरिंग अगर आपकी शॉप है और आप ज़्यादा चैनल का कैमरा नहीं लगवाना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ही बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। इसकी जो फीचर्स के बारे में, इसके सब कुछ के बारे में मैं यहाँ पे कवर करूँगा आपको। मैं बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। क्या क्या कर सकता है, स्मार्ट ट्रैकिंग क्या है, सब कुछ मैं इसके फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें जो एसडी कार्ड वगैरह है, तो चलिए पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ। और एक छोटे, जैसे आप मोबाइल शॉप है, जैसे कि आप हमारे चैनल में, टेक्निकल चैनल जो हमारा है, तो आपके पास मोबाइल की शॉप होगी तो शॉप में आप इस कैमरे को लगा सकते हैं। इसमें आप अपने एक दुकान की एक्टिविटी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपनी दुकान में, अपने बेडरूम हॉल भी में, ये अपनी छोटी सी शॉप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली तरीके से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और इसको सब कुछ A to Z हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग मैं फटाफट से कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी कुछ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्विक गाइडलाइन आपको मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाएगी, इसके बारे में मिल जाएगा क्या क्या चीज़ आपको कैसे सेटअप करना है, सब कुछ यहाँ पे A to Z यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसके बारे में भी डिटेल करूँगा आपको। फिलहाल चलते हैं अभी नेक्स्ट अपने और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, पहले तो देख लेते हैं है क्या इसमें। चलिए, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी, ये चीज़ क्या है सब कुछ, और ये आपके हो गए कैसे आपको लगाना है, और इसके बाद कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं। ये आपको मैं बता दूँ, चलिए बताते चलता हूँ। ये आपको करना क्या है, ये आपको वॉल में सेट करना है, आपको जहाँ भी इसको कैमरे को लगाना है। बहुत इजी टू यूज़ है, इसके स्क्रू भी हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो गाइस, आपको करना क्या है, सिंपल और सिंपल, ये जो आपको वॉल में ये 3 स्क्रू बस लगा देना, जहाँ भी आपको, चाहे छत पे लगाना हो, वॉल में लगाना हो, या कहीं पे भी आपको इसको इंस्टॉल करना है। बस आपको किसी भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इजी टू यूज़ होता है। तो सिंपल सिंपल आपको 3 स्क्रू देते हैं, इसको आपको कर लेना है टाइट, और उसके बाद ये स्क्रूज़ हैं। और भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें मिल जाती हैं हमें, और भी इसके अंदर गाइडलाइन तो यहाँ से भी खुल जाता है। और ये हमें मिल जाता है लास्ट यहाँ पे डाटा के लिए। एक आपको चार्जर भी मिल जाता है, मैं उस चार्जर के सॉकेट को भी आपको दिखा दूंगा। एक चार्जर का डॉक आएगा जिसको आपको वहाँ पे लगा के रखना है, तो ये आपका मिल जाएगा डाटा केबल। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ भी काफ़ी अच्छा लेंथ है, कि जैसे कहीं मान लीजिए दूर पे है तो ये बहुत अच्छा काम हो जाता है। मतलब बहुत लेंथ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसका जो केबल का लेंथ है बहुत ही अच्छा है, और बड़ा भी है, बिग भी है। चलिए इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे साइड कर देते हैं। अब उसके बाद थोड़ी मैं इसके फीचर्स और सब कुछ मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम कर दूँगा और सब कुछ यहाँ पे भी मेंशन करूँगा। फिलहाल अपने कैमरे को, लुक को देख लेते हैं, फिर इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं सेफ्टी के साथ, और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे साइड, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको साइड, साइड कर देता हूँ गाइस। ये पे मैंने इसको रख दिया और यहाँ पे कर दिया साइड, और देखते हैं फिर। सबसे पहले कैमरे का लुक देते हैं, ये भी अभी हम फिलहाल कर देते हैं, यहाँ पे भी साइड कर देते हैं, और मैं आपको इसका कैमरे का लुक दिखाता हूँ। इसका कैमरे का मैं लुक दिखाता हूँ, इसको भी मैं फ़िलहाल कर देता हूँ साइड जो भी इसके थे। इसकी लुक की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इसके लुक के बारे में, इसकी बिल्ड की क्वालिटी के बारे में मैं बात करूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने छोटे से दुकान पे या छोटे से उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पे। तो ये वीडियो बनाने का आपको ये छोटा सा एक मोटिव है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप लाइन केबल लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट लगेगा, ब्रांडिंग है उसके बाद, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और ये कैमरा है जो कि 360 है, और इसको मैं ऊपर करता हूँ तो देख सकते हैं। जैसे आप ऊपर करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये यहाँ पे आप एसडी कार्ड लगा सकते हो, और यहाँ पे एक रिसेट का बटन दिखाई दे रहा है। इसको एसडी कार्ड और रिसेट का बटन दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी एसडी कार्ड वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, और यहाँ पर रिसेट का बटन अभी नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो गया। और अगर मैं इसके यहाँ पर आके बात करूँ तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, ये आपका बार कोड है। ये भी मैं आपको सेटअप इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आपको अपने फ़ोन से इसको कंट्रोल करना है, सारा कुछ मैं यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ।
फिलहाल जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारा कुछ इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में है। इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लो आप, इसके QR कोड को आप सेव करके रख लो एक बार। तो ये 360। चलिए फटाफट थोड़े इसके फीचर्स को बताने के बाद, गाइस मैं यहाँ पे फटाक से इसके फीचर्स को बताने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये आपका 360 मिल जाता है, ये आपका मॉनिटरिंग मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको अगर बात करूँ, यहाँ पे मॉनिटरिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, मॉनिटरिंग। उसके बाद आपको स्मार्ट ट्रैकिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको स्लीप मोड भी मिल जाता है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, नाइट विज़न है, उसके बाद आपको टू वे, मतलब आप उधर से बोलना और सुन भी सकते हैं, और उसके बाद SD कार्ड आप यहाँ पे 256 GB का लगा सकते हैं, और iCloud ऑप्शनल स्टोरेज भी है। तो ये है इसके फीचर्स के बारे में गाइस, बहुत ही अच्छा है। और हमें देख करके अभी आपको मैं बताऊंगा कि चालू करके इजी टू यूज़, आपको किसी टेक्नीशियंस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए फटाफट मैं इसके अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो आप इसका ये चार्जर देख सकते हैं, ये इसमें एक चार्जर आती है। अब इस चार्जर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको चालू करके दिखा देता हूँ। फिलहाल ऐसा आपको इसके साथ एक चार्जर मिल जाएगा। जैसे इसकी लेंथ की मैं बात किया था, तो लेंथ इसकी बहुत बड़ी है। मैं इसको एडाप्टर को यहाँ लगा देता हूँ, और एडाप्टर को चार्जर को आपको यहाँ पे इसको लगा देना है, जिससे आपका ये डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा। देखिए रेड ब्लिंकिंग आपको यहाँ पे एक दिखाई दे गई है, इसको सिंपल और सिंपल आपको ऐसा रख देना है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो वर्क है ये करना चालू हो गया है, स्टार्टिंग प्रोसेस इसका। एक आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी सुनने को मिल रहा होगा। तो ये फ़िलहाल अभी ब्लिंकिंग पे आ चुका है। और चलिए अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूँगा और फ़ोन के स्क्रीन पे लेके चलूँगा, और वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगा सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी नाम डाल दो। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डाल देता हूँ, और यहाँ पे इंडिया डाल देना है। चलिए इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना कंट्री ले लेता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद एक जीमेल डाल दीजिए अपना, तो मैं यहाँ पे जीमेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 8269000761, और यहाँ पे एग्री कर देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कर लेना है एक बार, बेसिकली यहाँ पे एग्री कर दीजिए, और एक पासवर्ड भी क्रिएट कर दीजिए, 6 से 8 का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देता हूँ। चलिए क्रिएट करने के बाद अब एक वेरीफिकेशन कोड आएगा, उस वेरीफिकेशन कोड को आपको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर जो दिखाई दे रहा है, कोड वेरीफिकेशन में फिलहाल नहीं है, ये कैप्चर जो आप दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ ACEX, इसको कर देना है। करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे अब जो फ़ोन नंबर आपने डाला था उसमें एक आपको 4 डिजिट का एक कोड आएगा, वो 4 डिजिट का कोड आपको डाल देना है। तो 6946 यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है लिंक रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमने डाला था वो अपना डाल देते हैं ID, ये देख सकते हैं या स्मार्ट, ये हमारी जीमेल थी, कंटिन्यू कर देते हैं। एक बार जीमेल में भी जा कर के ये पासवर्ड, क्योंकि दोनों ही लिंक हो जाएंगे आपके अकाउंट, और ये सारा कुछ छोटा छोटा स्किप है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपने जीमेल में चलता हूँ, और जीमेल से मैं इसको दे देता हूँ आपको। तो मैं मेल पे गया, मेल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया ये, और एक आ जाएगा सिक्योरिटी कोड। तो ये जो कोड है 1652, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 1652। ये वेरिफिकेशन हो चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हैं गाइज, ये कंटिन्यू हमारा ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब आपको प्लस के आइकन पे जाना है, ऐड डिवाइस करना है, ऐड डिवाइस के बाद कैमरे पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। कैमरे के क्लिक करने के बाद ये जो स्कैनर मैंने आपको बताया हुआ था, ये स्कैनर को आपको स्कैन कर लेना है। तो ये स्कैनर मैं यहाँ पे स्कैन कर दे रहा हूँ आपके सामने लाइव। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्कैन कर दिया है, बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये आ चुका है, गूगल भी आ चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलिए यहाँ पे अभी हम फिलहाल कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सारा कुछ इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टार्ट। तो देख सकते हैं स्टार्ट करने के बाद आप कर देना ओपन लोकेशन। तो ओपन लोकेशन भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं, आपका लोकेट भी करता रहेगा। फिलहाल यहाँ पे अभी फ्लैश को कर देते हैं ब्लू। अब ये जो पासवर्ड जो यहाँ पे वाईफाई एक दिखाई दे रहा है गाइस, तो इस वाईफाई जो भी आपका वाईफाई होगा, वाईफाई चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारा वाईफाई दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा।
देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसकी जो भी ये आप सेव कर सकते हो, QR कोड भी आप सेव कर लीजिएगा। QR कोड जो दिखाई दे रहा है, QR कोड को भी आप सेव कर लीजिए। कभी इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े QR कोड के बारे में, तो इस QR कोड को एल्बम में आपका सेव हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपको टाइम जोन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो डेट और टाइम का है, तो यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक और पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे एक पासवर्ड और आप सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो मूव और ये कैमरा, आपको यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या सेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे PTZ पे आने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी क्लियर कट वाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। सब कुछ यहाँ पे इस कैमरे में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप इसको 360 आप इसको मूव कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 360 को आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये हमारी स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट टेलीकॉम की एशिया टेलीकॉम की स्मार्ट क्लासेस हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो चलिए यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पे। इस माइक का यूज़ करके आप यहाँ पे 1-2 वो भी कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पे। अभी लाइव वीडियो हमें देखना है, तो लाइव वीडियो में आकर के रिकॉर्डिंग पे जा करके और यहाँ पे जा करके सब कुछ A to Z आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 360 इसका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 360 है, और इसके पास जाने के बाद माइक ऑप्शन और सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। 360 व्यूज़ मिल जाते हैं, सारे पिक्चर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, 360 पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा इंस्टॉलेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑटो प्ले है, ऑफलाइन है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ड्यूरेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैमरा, अगर आप यहाँ पे बात करें तो एक फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, सेव टू एल्बम में यहाँ पे हो चुका है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद बाद यहाँ पे आप इसको ऑटो प्ले भी कर सकते हैं। आपको सारे स्मार्ट फंक्शंस, आपको माइक ऑप्शन के आने के बाद आप यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एंगल में भी कर सकते हैं। 360 की बात करें और यहाँ पे रेंज की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको 360 ये सारे फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर और हम अगर बात आएँ तो यहाँ पे ऑटो सेंसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑटो ट्रैकिंग की बात करें, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में अगर कुछ बात कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग्स है गाइस। यहाँ पे सेटिंग्स को आप देख सकते हो, सारा सेटिंग्स। अभी सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन, अलार्म नोटिफिकेशन चाहिए, ऑटो ट्रैकिंग चाहिए, और यहाँ पे 360 पिक्चर्स चाहिए। टाइम और डेट आप यहाँ से कर सकते हैं, वाईफाई अपना चेंज कर सकते हैं, आई क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिवाइस वर्जन देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे। आपको फाइल इमेज, फ्लिप इमेज भी देखने को मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है।